नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पेट्रोनास टावर्स के बारे में दिखाएंगे, जिन्हें अक्सर पेट्रोनास ट्विन टावर्स के रूप में जाना जाता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जुड़वा इमारतें हैं। टॉल बिल्डिंग और शहरी आवास परिषद की आधिकारिक परिभाषा और रेटिंग के अनुसार 1998 से 2004 तक वे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें थीं, जब ताइपे 101 ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। 88 मंजिला जुड़वा इमारत, जो 451.9 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, कुआलालंपुर का मुकुट रत्न है। पेट्रोनास ट्विन टावर्स, जो दिन में शानदार और रात में शानदार हैं। मलेशिया के लिए विश्वव्यापी खिलाड़ी बनने के लिए तुन महाथिर मोहम्मद के लक्ष्य से प्रेरित हैं। मास्टर आर्किटेक्ट सीजे पेली के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय आइकन देश के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। पेट्रोनास ट्विन टावर्स को पहली बार देखने के लिए अपने दौरे की शुरुआत इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के साथ करें, जो गर्भाधान से लेकर पूर्णता तक के मार्ग को दर्शाती हैं। फ्यूचरिस्टिक एलिवेटर में 170 मीटर की ऊंचाई को मापें। टावरों और दुनिया के सबसे ऊंचे दो मंजिला पुल के बीच कनेक्टिंग स्ट्रक्चर स्काई ब्रिज अपने दरवाजे खोलेगा। 86 के स्तर पर चढ़ें, जहां कुआलालंपुर के आश्चर्यजनक दृश्यों की पृष्ठभूमि के खिलाफ मलेशिया की दृष्टि की मंजिल सामने आती है। फिर उपहार की दुकान पर उत्कृष्ट स्मृति चिन्हों के साथ अपनी यात्रा समाप्त करें। पेट्रोनास ट्विन टावर्स के लिए साइट की योजना जनवरी 1992 में शुरू हुई, जिसमें सीजे पेली, डीजे सेरिको, जेसी गिंटो और डोमिनिक सेबो प्रमुख थे। मार्च 1993 में उत्खननकर्ताओं ने संपत्ति की सतह से 30 मीटर नीचे खुदाई शुरू की। हर रात लगभग 500 ट्रक मिट्टी को ले जाना पड़ता था। मलेशियाई इतिहास में एकल सबसे बड़ा और सबसे लंबा कंक्रीट डालना 54 घंटे की अवधि के दौरान प्रत्येक टावर में लगभग 13,200 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगातार डाला गया था। यह विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्लैब, जिसमें 104 कंक्रीट परतें हैं। आज हम देखते हैं कि जुड़वा गगनचुंबी इमारतों की नींव प्रदान करते हैं। 1 किलोमीटर लंबी परिधि वाली 21 मीटर ऊंची रिटेनिंग वॉल इस मंजिल से उठी। इस कंक्रीट के खोल और बेसमेंट क्षेत्र को पूरा करने में 2 साल लग गए और साइट पर 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन 40 कर्मचारियों की आवश्यकता थी। डिजाइन पर कई कठोर परीक्षण और हवा और संरचनात्मक भार के अनुकरण के बाद अधिरचना का निर्माण अप्रैल 1994 में शुरू हुआ। पेट्रोनास ट्विन टावर्स अंततः जून 1996 में समाप्त हो गया था। इसके स्टील और कांच के आवरण के साथ मूल रूप से ट्विन टावरों को केवल 1400 फीट की ऊंचाई पर बनाने की योजना थी। शुक्र है डॉक्टर महाथिर ने इमारत की क्षमता को दुनिया के सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों में से एक के रूप में पहचाना और आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को किसी भी तरह से ऊंचाई में कुछ और मीटर जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई संरचनात्मक तथ्यों की पुनर्गणना की गई और पवन सुरंगों में उनका पुनः परीक्षण किया गया। नतीजतन एक एकीकृत शिखर के साथ एक गुंबद को टावरों के शीर्ष पर जोड़ा गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सीयर्स टावर को पार करते हुए सफलतापूर्वक 1483 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया है। इंटीरियर डिजाइन मलेशियाई हस्तशिल्प और बुनाई पैटर्न से प्रेरित है और उत्कृष्ट इस्लामी पैटर्न बनाने के लिए इमारत स्टेनलेस स्टील और कांच के शानदार मिश्रण में समाप्त हो गई है। प्रत्येक टावर फ्लो प्लेट 8 नुकीले तारे के आकार में 2 अतिव्यापी वर्गों पर बनाई गई है, जो साधारण इस्लामी ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित है। ये रूप वास्तुकला के संदर्भ में एकता, सद्भाव, स्थिरता और तर्क के प्रमुख इस्लामी आदर्शों को व्यक्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहें।